इसलिए हम लोगों ने उन्हें, चूंकि राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है राजनीतिक दबाव में या किसी अन्य के बहकावे में अगर उन्होंने कुछ अनर्गल बयान दे दिया है या कोई ऐसा असत्य भाषण किया है, तो उसके लिए उन्हें मौका है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है। जो उदयमान और प्रतिभाशाली एक कलाकार जिसका असमय निधन होना, उसकी जांच चल रही है, उसमें कभी उसके पिता के नाम से, कभी उसके परिवार वालों के नाम से, कभी किसी और नाम से, ये भ्रामक बातें फैलाने की जो बात हो रही है, ये एक सुनियोजित साजिश है। और इसी के साजिश, इस घटनाक्रम को तह तक जाने देने के लिए, रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए, लोग नहीं चाहते हैं कि यह रहस्य से पर्दा उठे। सुशांत सिंह राजपूत की किस प्रकार से मौत हुई, उसकी जांच सही सही तरीके से हो सके। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का ये धर्म और कर्तव्य है कि सही बातों की जानकारी उसे प्राप्त हो सके और वो मालूमात कर सके। इसलिए ऐसा कुछ हम लोगों ने किया है। रह गई बात श्री संजय सिंह राउत, जो एक जिम्मेदार और ऊंचे पद पर राजनीतिक रूप से आसीन है और जो राज्यसभा के सांसद हैं, तो माननीय सांसद को ऐसी किसी बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो कि अनुसंधान की दिशा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके दिशा दशा को बदलने की कोशिश की जा रही है, कि ताकि सही सही अनुसंधान नहीं हो पाए। वह उन लोग बातों का जिक्र किया है जिसका कोई न बुनियाद है और न कोई धरातल पर वो ऐसा कुछ मामला है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें, चूंकि राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है राजनीतिक दबाव में या किसी अन्य के बहकावे में अगर उन्होंने कुछ अनर्गल बयान दे दिया है या कोई ऐसा असत्य भाषण किया है, तो उसके लिए उन्हें मौका है कि अविलंब 48 घंटे के अंदर में उस पर खेद प्रकट करें, क्षमा मांगे, तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। भूल सबसे होती है। इसलिए हम लोगों ने पहले वकालतन नोटिस उन्हें भेजा है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि हम लोग कितने दुखी हैं और हम लोगों को किस प्रकार सही सही न्याय चाहिए। मेरे मुवक्किल श्री नीरज कुमार बबलू लगातार विधायक हैं और जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो चुनाव जीत कर जाते हैं और उनको इतना तकलीफ पहुंचा है, जहां क्षेत्र में जाना, जहां भी जाना, तो वहां सभी लोगों के बीच उनको परेशानी का सबब झेलना पड़ता है, जो ऐसी क्या बात हो गई। इसलिए उन्होंने हमें यह अधिकृत किया, नीरज कुमार बबलू जी ने, जो इसका जो है सो वकालतन नोटिस दिया जाए श्री संजय राउत जी को, जिससे कि वो, उनको यह मौका होगा कि वो अविलंब क्षमा प्रार्थी हों, क्षमा मांग सकें, जिससे कि सही सही बातों के और सुशांत सिंह की आत्मा को शांति हो और उनके पिता के सिंह जो मर्माहित हैं, दुखी हैं, शोकाकुल हैं, उनके हृदय पर मरहम की पट्टी लगाई जा सके।